नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपसे रूबरू हूँ एक नई कहानी के साथ, और आज जो है मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है और उसमें क्या शिक्षा देने की कोशिश की गई है इसको समझने की महती आवश्यकता है। तो देखो, कहानी की शुरुआत करते हैं, और कहानी की शुरुआत में जो है वो एक किसान होता है, ठीक है। और उस किसान का जो है, किसान का कार्य क्या है? वही कृषि, खेती का काम है। अब उसकी जो खेती है, उसकी जो जमीन है, अब उस जमीन पर खेती करने के लिए जो है उसको कर्मचारी की जरूरत है, आदमियों की जरूरत है। खुद जो है इतनी बड़ी खेती को नहीं संभाल सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि जो उसका क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है, इस यहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदाएं खूब आती है। प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है। प्राकृतिक आपदाओं का मतलब आपको पता ही है कि भाई कभी तूफान आ गया, कभी आंधी आ गई। तो इस तरह से जो है आंधी तूफान वाले क्षेत्र में उसकी कृषि का कार्य है, जिसके कारण जो है उसको कोई भी आदमी नहीं मिल पाता मजदूरी के लिए, कार्य करने के लिए। इन विपरीत परिस्थितियों में काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एक दिन जो है वो किसान जो है वो अपना अखबार जो होता है, न्यूज़पेपर जो होता है, उस अखबार में जो है, न्यूज़पेपर में वो विज्ञापन छपवाता है कि भाई उसको कृषि कार्य के लिए जो है आदमी की जरूरत है। और ये जो है विज्ञापन देखकर अखबार में कई सारे आदमी आते हैं, लेकिन जब वो अपनी कृषि के क्षेत्र के बारे में बात करता है कि भाई मेरी जो है कृषि इस क्षेत्र में है, तो वहां की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुनकर सारे लोग जो है मना कर देते हैं। आखिर में एक व्यक्ति जो है वो कहता है, हाँ मैं आपके यहाँ जो है कार्य कर सकता हूँ। तो उस किसान ने कहा कि भाई यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती है, भाई हवाएं बहुत ही तेज चलती है, तो हमें संभल कर रहना है। तो उसने वो जवाब देता है कि जब भी तेज हवाएं चलेगी मैं क्या करूंगा? सोऊंगा। तेज हवा जब भी चलेगी तब जो है मैं सोऊंगा। तो ये उसको समझ में नहीं आता, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, दूसरा कोई आदमी भी नहीं है कि वो अपने कृषि कार्य में जिसका सहयोग ले सके। तो वो उसकी इस शर्त को मान लेता है कि भी चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन काम ढंग से करना है। अब वो आदमी जो है अपनी खेती का काम करता है, आदमी बहुत ही मेहनती होता है, और कुछ ही समय बाद जो है उस किसान को उस आदमी की मेहनत का नतीजा मिलने लगता है, पता चलने लगता है, और वो बहुत ही खुश है इस आदमी के साथ। अब एक दिन क्या हुआ कि तूफान आने वाला है, और जैसे ही मौसम खराब हुआ, अब मौसम खराब होने के साथ ही अपने अनुभव से किसान को ये आभास हो गया कि भाई आज जो है तूफान आने वाला है। और अब जो है वो दौड़कर भागा उस आदमी के पास कि भी जाके उसको जो है सावधान करें, ताकि समय पर जो है जो भी फसल कटी हुई है उसको सही तरीके से बंद करके, उसको तिरपाल वगैरह डाल के ढक के संरक्षित कर ले, ताकि फसल बर्बाद नहीं हो। अब जैसे ही ये उस आदमी के पास पहुंचा, इसने अपनी शर्त बता दी कि भी मैंने आपको जब भी कहा था जब भी हवाएं तेज होगी मैं तो सोऊंगा। अब इस किसान को बहुत गुस्सा आता है इस आदमी पर, लेकिन कोई चारा नहीं, करे तो करे क्या, फसल को बचाना है। तो वो सीधा के सीधा इस आदमी को छोड़कर जो है अपने खेतों की तरफ भागता है, और खेतों में जाके देखता है तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि सारी जो कटी हुई फसल थी वो सारी एक जगह इकट्ठा है, बढ़िया तिरपाल से जो है वो कवर कर रखी है, ढक के रखी हुई है। जो भी पशु या मवेशी थे उसके, वो भी जो है बाड़े में अच्छी तरह से बंधे हुए हैं। बाड़े का जो गेट है, वो गेट दरवाजा जो है वो भी अच्छी तरीके से बंधा हुआ है, और इस प्रकार से सारी चीजें व्यवस्थित है कि कितना भी तूफान आए उस तूफान से नुकसान जो है वहां नहीं पहुंचने वाला। तो ये किसान बड़ा खुश होता है,
और इस आदमी के पास आता है और इस आदमी के मन की बात जो है वो समझ जाता है कि भाई ये क्यों कहना चाह रहा है कि भाई जब भी तेज हवाएं आएगी मैं सोऊंगा। तो इस कहानी के माध्यम से वो ये संदेश देना चाहता है कि भाई हमें अपना काम जो है वो समय पर कर लेना चाहिए। अगर हम देखो, जैसे प्राकृतिक आपदा का समय था, तूफान आ सकता था किसी भी समय, प्राकृतिक आपदाएं कोई कह के तो आने वाली है नहीं। तो जैसे उस किसान को पता था या उस मजदूर को पता था, उसने अपना सारा काम जो है समय पर पूरा कर लिया और जब तूफान आया बड़ी मस्ती से आराम से सो रहा था और उसको तूफान की कोई चिंता नहीं थी। अब अपन अपने व्यावहारिक जीवन में क्या करते हैं, जब प्रेशर पड़ता है तभी काम शुरू करते हैं। और कहावत भी है, इंडियन माइंड्स वर्क्स ओनली इन प्रेशर। भाई इंडियन जो है काम कब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के अंदर। इंडियन माइंड वर्क्स ओनली इन प्रेशर। जब भी दबाव पड़ता है कि कल तो डेडलाइन है, कल जो है लास्ट डेट है इस चीज की, तब अपन भागते हैं दौड़ते हैं। हिंदी में कहावत भी सुनी होगी कि जब प्यास लगे तब कुआं खोदते हैं। जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं, तो उस समय कुआं खोद के कैसे प्यास मिटाओगे। तो ये जो है ये हमें सुधार की जरूरत है। इंग्लिश में भी है कहावत कि भाई मेक हे वाइल द सनशाइन, मेक हे वाइल द सनशाइन। इसका भी मतलब यही है कि भी समय रहते सारे काम अपने को कंप्लीट कर लेने चाहिए। अब ये कहानी जो है सब पर लागू होती है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, वो भी सुबह को जब उसके स्कूल का टाइम होता है, गाड़ी आने वाली होती है या स्कूल निकलने वाला होता है, तब एकदम से ढूंढता है मेरी बैग कहाँ है, मेरी किताबें कहाँ है, नोटबुक कहाँ है, रात को काम कर रहा था किधर रख दी। तो वही जो है सोने से 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले अपना बैग व्यवस्थित करके रख सकता है ताकि सुबह उठते ही उसको बैग लेके रवाना ही होना पड़े। हम भी जो है कई बार जो है इस प्रकार की अवस्थाओं से गुजरते हैं और जब एकदम से समय निकट आता है तब हम हड़बड़ाते हैं। हड़बड़ाहट में अक्सर कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, हड़बड़ी में गड़बड़ी कहते हैं ना, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो ही जाती है। तो हमें क्या करना है कि भी अपना काम जो है समय पर करना है, समय पर काम करते रहना है ताकि जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो कहानी थी इसमें जो समय के ऊपर जो काम करने वाला व्यक्ति है उसकी निश्चिंतता के बारे में आपको समझ आया होगा। आपने उस किसान की, उस मजदूर की निश्चिंतता को जो है वो पहचाना होगा कि किस प्रकार से जो है भले ही तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, उसने अपना पूरा काम जो है एकदम व्यवस्थित तरीके से रख दिया और आराम से चैन की नींद सोया। तो अपन भी अगर अपने सारे काम समय से व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आए हम अपने आप को हमेशा जो है आगे बढ़ाए हुए रखेंगे, हमेशा जो है अपनी प्रगति जारी रहेगी। इसी आशा के साथ आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।